ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत के साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे। और जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो हम बात करना चाहते हैं सीरम्स की, और ऑब्वियसली हर कोई सीरम्स को यूज़ करना चाहता है। लेकिन आप कौन सा सीरम यूज़ करें और किस वक्त यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, और आपके स्किन पे क्या प्रॉब्लम है या आपकी क्या स्किन टाइप है जिसकी वजह से आपको कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो लाइव सेशन है वो इसी के ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम अपना लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी लाइट जो है वो मेरे से कोई अच्छी एडजस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाइए और फिर हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो फिर हम बात करते हैं आज सीरम्स पे। लेकिन उस पे बात करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि आज हमारे जो हैं, या जो जब हमने लास्ट सेशन किया था तब हमारे जो है वो 50K सब्सक्राइबर्स नहीं थे, लेकिन इस वीक तक हमारे 50K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हो चुके हैं। और आप ये देखते जाएं कि हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा ग्रो करती जा रही है, और ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि आप देखें, जितने ज़्यादा ब्रेन्स जो हैं वो पूल इन होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा काम होता है। वो कैसे होता है? जितने ज़्यादा ब्रेन्स होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, उतनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी, उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे। जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप कोई सीरम यूज़ करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो कौन सा सीरम यूज़ करते हैं, और उससे आपकी स्किन जो है उसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन में क्या डिफरेंस आया। तो ये बहुत अच्छा होता है और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और वो यही था कि हमारे जो हैं वो 50K सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हैं, और हमारा क्लैन और हमारी जो भी क्या कहते हैं फैमिली है वो इतनी बड़ी हो चुकी हुई है, और ये बहुत खुशी की बात है। चलिए जी, अब हम अपना सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सेगमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरम्स जो हैं वो लगाना चाहते हैं हम सब लोग, लेकिन इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूँगी कि सीरम में और क्रीम में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखेंगे, या ये देखेंगे कि सीरम्स जो हैं वो क्या होते हैं। सीरम जो है वो बेसिकली हाई इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, यानी कि सीरम्स में जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है सीरम जो है, ठीक है, कंपेयर करें अगर आप क्रीम से। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर साइज जो होता है, इसके जो मॉलिक्यूलर साइज है वो छोटा होता है। जब वो छोटा होता है तो उसकी डिलीवरी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाती है स्किन के अंदर। फिर आ जाता है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। क्रीम्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम इंग्रेडिएंट्स क्रीम में भी हो सकते हैं जो कि सीरम्स में होते हैं, लेकिन वो पावरफुल इतने नहीं होंगे। और जो सीरम्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन के डीपर लेयर तक पहुँचते हैं, और डीपर लेयर में जाने की वजह से उनका रिजल्ट जो है और उनकी एफिकेसी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। अब क्या और इसके अंदर क्या होता है, इनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है। वो इसीलिए बेहतर होती है कि डीपर लेयर में जाता है इसका व्हीकल, जो कि स्किन के अंदर लेके जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को, वो डिफरेंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो भी ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो क्या होती है, एक तो ये कि इंग्रेडिएंट जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस इस तरह से उनको किया जाता है कि जब वो स्किन के अंदर डिलीवर होते हैं तो तब भी वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ ही डिलीवर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त आपने उसको बनाया था तो इंग्रेडिएंट कुछ और था और उसके बाद जब वो बनने के बाद स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट ही आपकी स्किन के अंदर इन्वॉल्व, आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए इसका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी।
और इसके अलावा इसकी क्या ख़ास बात है? सीरम्स की ये ख़ास बात होती है कि सीरम्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सीरम्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं कि अगर किसी को ये इशू है स्किन के ऊपर या ये स्किन टाइप है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको ये सीरम यूज़ करना चाहिए। सीरम्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स स्किन की जो हैं उनके लिए डिफरेंट सीरम्स जो हैं या स्पेसिफिक सीरम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो हो गया कि सीरम्स में और क्रीम्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे जो टॉप का डिफरेंस है या जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि सीरम्स जो होते हैं इनके अंदर पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं और मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है। इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स और डीपर लेयर्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ पे डीपर लेयर्स में एब्जॉर्ब होके आपकी स्किन को एक अच्छा रिजल्ट जो है वो देते हैं। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं कि इसको लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। हाँ जी, इसके जो बेनिफिट्स हैं या इससे जो हम फ़ायदे ले सकते हैं वो क्या क्या है? आपकी स्किन के टेक्स्चर को बेहतर करता है, इसके अलावा आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बेहतर करता है, इसके साथ साथ जो है वो आपके कॉम्प्लेक्शन में इम्प्रूवमेंट देगा और जो पोर साइज़ है उसको भी ये डिक्रीज़ करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है। ठीक है, जो इसके मेन मेन बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं कि ये जो है ये बेसिकली आपकी स्किन के टेक्स्चर को बेहतर करता है, उसके साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है, पोर साइज़ को इम्प्रूव करता है, पोर्स को टाइटन अप करता है और उसके साथ साथ स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, ज़्यादा अच्छा करता है। ठीक है, अच्छा, जब आप कोई सीरम लेना चाहते हैं या इस्तेमाल करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ नोट करनी चाहिए या क्या चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए उसके बाद आप सीरम को बाय करें और कौन सा सीरम बाय करना चाहिए ये कैसे पता चलता है? इसके दो मेन जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ योर स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपने सीरम को चूज़ करना है। और फिर सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वो ये होता है कि आपकी स्किन पे इशू क्या है, आपकी स्किन का प्रॉब्लम क्या है। यानी कि दो चीज़ें जो कि आपने देखनी होती हैं, एक है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आपकी स्किन पे इशू क्या है, आपकी स्किन का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कि सीरम ख़रीद लिया हमने, अब जब हमने सीरम ले लिया तो हमें ये नहीं पता कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ कि आप किस कि आपकी रूटीन में जो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए। क्लिनजिंग अगर आप करेंगे, आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने सीरम कब लगाना है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आप क्लिनजिंग करते हैं तो क्लिनजिंग के बाद सीरम लगाया जाता है, अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं तो एक्सफोलिएशन के बाद सीरम लगाया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, उसी तरह क्लिनजिंग से पहले नहीं, क्लिनजिंग के बाद में सीरम लगाया जाता है। अगर आपने फेस वॉश कर लिया है और आपने टोनर भी लगाना है और सीरम भी लगाना है और आप कन्फ्यूज्ड हैं कि पहले क्या लगता है, तो पहले टोनर लगेगा और उसके बाद आप सीरम अप्लाई करेंगे। अगर आपने क्रीम भी यूज़ करनी है या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और आप सीरम भी यूज़ करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि आप पहले क्या लगाएंगे और बाद में क्या, तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले सीरम लगता है और उसके बाद जो है वो क्रीम्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर आपको आपने मास्क लगाया और आपको ये समझ नहीं आ रही है कि मैंने किस स्टेप पे यानी कि मास्क के बाद क्या लगाना है या जो सीरम है उसको कब लगाना है, तो सीरम जी जब आप मास्क को उतार देते हैं, वॉश कर देते हैं या उतार देते हैं, सीरम उसके बाद लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक और वो ये है कि बेशक ये हाईली पैक्ड होते हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं विद द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स और इनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है और डीपर लेयर्स में जाते हैं और काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं, लेकिन मैजिक फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द क्रीम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से ये पर्जिंग भी देंगे। पर्जिंग क्या होती है कि जब भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन पे लगाना शुरू करेंगे, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ब्रेकआउट करती है और उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द स्किन होता है जिसमें वो अपने आप को नॉर्मलाइज करती है, रिजुविनेट करती है, दिस इज़ कॉल्ड एज पर्जिंग। तो पर्जिंग तो होनी ही होती है बिकॉज आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो पर्जिंग तो होगी ही। ठीक है,
और कम अज़ कम भी आपको कोई भी अगर आप सीरम लगाना शुरू करते हैं तो आपको 6 वीक्स का ड्यूरेशन जो है वो ज़रूर रखना चाहिए अपने माइंड में कि 6 हफ्ते तक आपने ये नहीं सोचना कि आपको कितना रिज़ल्ट मिल रहा है और क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स है, 6 वीक्स के लिए यूज़ करें सीरम को, उसके बाद देखें कि आपकी स्किन पर उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि सीरम्स क्या होते हैं, वो क्रीम से डिफरेंट कैसे होते हैं, उसके बाद आपने इनको चूज़ कैसे करना है कि आपके लिए सीरम कौन सा बेहतर है, और फिर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से सीरम को यूज़ कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको इसके एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स और जो कि इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो है वो आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स हैं वो आप किस किस चीज़ के अंदर देख सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जो सीरम्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, सम उनकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ सीरम्स जो होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं और कुछ सीरम्स जो हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। अब आपने इसको कैसे रिलेट करना है अपने लिए, कैसे आपने चूज़ करना है कि अगर किसी की स्किन जो है वो एक्ने प्रोन है या वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनते हैं उसके ऊपर, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, या आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं या बनते हैं, तो आपने ऑयल बेस्ड सीरम्स यूज़ नहीं करने, फिर आप वाटर बेस्ड सीरम्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। जिनकी स्किन मैच्योर है, जिनकी स्किन जो है वो ड्रायर साइड पे है, या जिनकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, वो सब लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं ऑयल बेस्ड सीरम्स भी होते हैं, तो आप ऑयल बेस्ड सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप जो है वो अगर ऑयल बेस्ड है या ऑयली है, या फिर जो है वो एक्ने प्रोन है, तो आपने वाटर बेस्ड यूज़ करने हैं। अगर आपकी स्किन मैच्योर है, आपकी स्किन ड्रायर साइड पे है या नॉर्मल टू ड्राई है, तो फिर डेफिनेटली आपने ऑयल बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिफरेंट तरह के जो सीरम्स हैं उनको शेयर करूँगी। अच्छा, शेयर करने का जो मकसद है या जो वजह होती है वो ये होती है कि आपको नो हाउ होनी चाहिए कि किस किस्म के या किस तरह के सीरम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या अवेलेबल होते हैं क्लिनिक्स पे, और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको एक विटामिन सी का ये दिखा रही हूँ क्या कहते हैं सीरम, और ये वाटर बेस्ड सीरम है, कोई भी स्किन टाइप को उसके ऊपर लगाया जा सकता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसका विटामिन सी है, और ये एक्टिव फॉर्म में ही आपकी स्किन को मिलेगा या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और फिर मैं आपको एक और ये वाला दिखा रही हूँ, ये जो है ये हाइलुरोनिक एसिड का है। आई थिंक लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट, लेकिन ये जो है ये जेल फॉर्म में है, ये ऑयल बेस्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। जब आप इसको लगाएंगे, यानी कि ये कोई भी स्किन टाइप वाला या फिर जिनकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन हो या एक्ने प्रोन हो, वो भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, यंगर स्किन वाले भी ये लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाने लगी हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी स्किन के ऊपर जो है वो एक्ने बन रही होती है या एक्ने होती रहती है, और वो कोई सीरम लगाना चाहते हैं। तो अभी जो मैं आपको सीरम दिखा रही हूँ, ये नायासिनामाइड है इसके अंदर, और उसके साथ साथ जिंक है। जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो रेडनेस होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको जिंक ठीक करता है, और जो आपके ब्लेमिशेस होते हैं या फिर जो आपके ब्रेकआउट्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसके अंदर नायासिनामाइड है। अब ये एक्टिव फॉर्मूला है, इसीलिए डार्क ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, डार्क कलर की बॉटल में है, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीरम्स में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन है कि पर्जिंग होगी, यानी कि ब्रेकआउट्स होंगे, और उसके बाद आपकी स्किन ठीक होना शुरू होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और सीरम दिखा रही हूँ, इसके अंदर बेसिकली जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है, और उसके साथ विटामिन बी है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को प्लम्प करेगा, आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बेहतर करेगा, मॉइस्चराइजेशन को बेहतर करेगा, फाइन लाइंस को कम करेगा, और एंटी एजिंग तो ये होता ही है। उसके साथ जो विटामिन बी है इसके अंदर, वो आपके कॉम्प्लेक्शन को जो है वो ब्राइटन अप करेगा। अब हम आज नायासिनामाइड भी आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं
एक और पे ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ इसके अंदर अल्फा एब्यूटीन है 2% और उसके साथ जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा और उसके साथ साथ जो है वो स्किन की हाइड्रेशन को भी बेहतर करेगा। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो वाइटमिन ए और ई, यानी कि इसके अंदर 27% स्क्वालीन भी है और वाइटमिन ए और ई भी है। ये मैच्योर स्किन या एजड स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ मैच्योर स्किन के लिए, इसके अंदर 1% सेरामाइड्स हैं। सेरामाइड्स जो हैं वो हमारी स्किन के अंदर कम होते जाते हैं और बनना तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं विद टाइम एंड एज, और उसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो आपको फाइन लाइंस भी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा है मैच्योर और एजड स्किन के लिए सेरामाइड्स का, इसके अंदर सेरामाइड्स है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ एंटी एजिंग सीरम। ये जो है ये डे में लगाने वाला सीरम है, या आप डे में लगा सकते हैं, नाइट में भी लग सकता है लेकिन डे के लिए है, और डे वाली चीज़ आप नाइट में भी लगा सकते होते हैं, नाइट वाली चीज़ आप डे में नहीं लगा सकते। ये सीरम जो है ये एंटी एजिंग है और ये जो है इसके अंदर एस्ट्राजेंथीन है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर करता है और क्या कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग को रोकता है और जो एजिंग के साइंस होते हैं स्किन के ऊपर उनको कम करता है, स्किन को टाइटन अप भी करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दो तरह के सीरम्स दिखा रही हूँ। ये जो है ये रेटिनॉल और सेरामाइड्स के साथ है। ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको एडल्ट एक्नी होती है, या फिर मैच्योर एंड ऑयली स्किन है, या फिर मैच्योर स्किन है और एंटी एजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो ये रेटिनॉल के साथ है और रेटिनॉल जब आपने लगाना होता है तो वो लगाना मुश्किल होता है, इसलिए ये सेरामाइड्स के साथ है तो उसको लगाना बहुत आसान है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये जो है ये बेसिकली प्योर वाइटमिन सी है। ये प्योर वाइटमिन सी के साथ है और ये जो है ये बेसिकली स्पॉट्स को क्लियर करेगा, आपके जो है वो पिगमेंटेशंस को, अनइवन टोन को बेहतर करता है। ये बेसिकली किसी भी एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो सीरम है ये टाइटनिंग सीरम है। ये भी यानी कि एजड स्किन के लिए है और ये टाइटनिंग के लिए है। या आप अराउंड आइज पे यूज़ कर सकते हैं, फेस और नेक तीनों जगह पे यूज़ हो सकता है, और ये आप सुबह भी यूज़ कर सकते हैं और रात में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो एक ये वाला सीरम दिखा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही मज़े की है, जेल बेस्ड है और ये किसी भी स्किन टाइप वाला जो है वो लगा सकता है। इसके अंदर सारी जो स्किन को न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी की सारी डली हुई है और ये किसी भी एज ग्रुप में आप यूज़ कर सकते हैं। और असम है, ऑसम इस लिहाज से है कि आपकी स्किन जो है जब उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन मिलेगी तो वो क्यों अच्छी नहीं होगी, वो हेल्दी भी होगी, ग्लोई भी होगी और उसका कलर भी आपको कॉम्प्लेक्शन भी पहले से बेहतर लगेगा। अब मैं आपको एक और वाइटमिन सी का सीरम दिखा रही हूँ। ये भी जो है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो वाइटमिन सी है और ऑलमोस्ट 15% वाइटमिन सी है। ये आप अपने डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अनइवन टोन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो बेसिकली जो है वो कॉलेजन का सीरम है। अब ये कॉलेजन का सीरम है, एक के एक जो है वो आइज़ के लिए है और एक आपकी स्किन के लिए है। जो आप स्किन पे लगाएंगे, फेस पे लगाएंगे, वो आप अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं। जो आइज़ वाला है वो स्पेसिफिकली आइज़ के लिए ही होता है, वो उसी पे ही लगाना चाहिए। तो जो क्या कहते हैं कॉलेजन है वो बनना भी बंद हो जाती है विद टाइम एंड एज, और जिन लोगों को स्कार्स होते हैं बेशक वो यंग भी हों वो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉलेजन सीरम है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 different strengths के अंदर जो है वो क्या कहते हैं वाइटमिन सी सीरम। ये देखें ये 5% है, या आप अराउंड आइज यूज़ कर सकते हैं। ये 15% है और ये जो है ये 25% है। दो तरीके होते हैं, इट्स बेटर कि आप लो से स्टार्ट करें, जैसे ये 5% है पहले इसको यूज़ करना शुरू करें, कुछ अरसे के बाद जो है वो आप 15% पे जाएं और उसके बाद 25% से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है इसको यूज़ करने का। अच्छा, एक और जो है वो मैं आपको वाइटमिन ई का मॉइस्चराइजिंग सीरम दिखा रही हूँ। किसी भी एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है,
आइस के अराउंड जो आपको फाइन लाइंस होती हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है और किसी भी एज ग्रुप में आप ये यूज़ कर सकते हैं। इट्स ब्रिलियंट, इट्स ऑसम और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। फिर मैं आपको एक और हाइलुरोनिक, ये प्योर हाइलुरोनिक एसिड है, ये उसका सरम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप आइस के अराउंड, फेस, नेक कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके फाइन लाइंस को दूर करता है, स्किन को थोड़ा सा प्लम्प करता है और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो उसकी हाइड्रेशन बेहतर होती है और हाइड्रेशन बेहतर होती है तो टेक्स्चर और कॉम्प्लेक्शन दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको कुछ जो चीज़ें दिखानी थी, कुछ आपके साथ शेयर करने थे सीरम्स, वो दिखा दिए। अब मैं साथ साथ आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करूंगी और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि आपने सीरम को किस ऑर्डर में लगाना है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आती है कि अगर उनको टोनर भी यूज़ करना है, सीरम भी यूज़ करना है और क्रीम भी यूज़ करनी है तो वो पहले क्या लगाएंगे, बाद में क्या लगाएंगे और फिर उसके ऊपर क्या लगाएंगे, ठीक है? तो वो भी आप ज़रूर कन्फर्म कर लें ताकि अगर आपसे कोई गलती हो रही है लगाने में जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा या आपकी स्किन रिएक्टिव हो रही है तो वो भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? तो अब आपके क्वेश्चंस जो है वो लेना स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको कुछ और सीरम्स जो हैं उनके बारे में भी बताती रहूँगी। अच्छा, मैं बहुत क्या कहते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें जो हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं होते, देयर ओनली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो वो बहुत अजीब अजीब सी बातें भी बता रहे होते हैं जो कि मैं समझती हूँ कि वो एक तरह से जो है वो मैल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और वो क्या कहते हैं, जिस वक्त आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर होगी तो फिर कुछ भी जो आउटकम होगा वो भी गलत ही होता है। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है वो ये कह रहे होते हैं कि आप गीली स्किन के ऊपर अपना जो है वो सिरम लगा लें, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, खुद ही डर्मा रोलर ले लें और उसके साथ जो है वो आप सीरम्स लगाना शुरू कर दें। तो जब तक आपको पता नहीं है तो इन जनरल आप इस तरह की बातें अगर ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। उसके बाद अजीब अजीब, जैसे कौन सा सीरम किस चीज़ के लिए लगाते हैं वो भी कुछ उल्टा ही बता रहे होते हैं, लेकिन बस बता रहे होते हैं और क्योंकि सोशल मीडिया पर बैठे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं तो फिर आप खुद ही सोच लें कि कितनी जल्दी या कितनी आसानी से जो है वो कोई भी जो है वो उनकी बात सुन के और किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? चलें आपके क्वेश्चंस देखते हैं। हफ्सा उबैद के लिए, अस्सलाम वालेकुम, टोनर को कितना और किस तरह यूज़ करना चाहिए? क्या टोनर को फेस पे स्प्रे कर सकते हैं या जस्ट कॉटन से अप्लाई करें? अगर आपके पास स्प्रे टोनर है तो आप स्प्रे वाला टोनर स्प्रे कर लेंगे और अगर आपके पास जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है तो फिर आप कॉटन पर डाल के फिर यूज़ कर लेंगे। टोनर जो होता है वो आपकी डिफरेंट चीज़ें जो आपने स्किन के ऊपर लगानी होती हैं, फेस के ऊपर आपने लगानी होती हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, ठीक है? और आपकी स्किन को बेसिकली आपके जो पोर्स हैं उनको टोन अप रखने में हेल्प करता है और जो डिलीवरी है बाकी सब चीज़ों की और चीज़ों की उसको बेहतर करता है, ठीक है? इसका कोई नंबर नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का बंदा जो है वो इसको यूज़ कर सकता है, कोई हार्म नहीं है। हफ्सा उबैद के लिए, हील्स की डेड स्किन उतारने के लिए कोई ऐसा पील बता दें जो एक ही बार सारी डेड लेयर उतार दे, क्या नाइट क्रीम के बाद एक्नी जेल लगा सकते हैं? अगर तो आपने, पहले मैं ये बता दूं, अगर तो एक्नी जेल जो है वो सिर्फ खाली आपने एक्टिव पिंपल्स पे लगानी है तो फिर आप यही करेंगे, जो आपकी नाइट रूटीन की सारी चीज़ें हैं फुल फेस वाली वो आप पहले लगा लेंगे और उसके बाद इसको सिर्फ खाली आप लगा लेंगे जेल को, एक्नी जेल को अपनी एक्टिव पिंपल्स या एक्टिव एक्नी के ऊपर लगा लेंगे, ठीक है? आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है कि जो फटी हुई हील्स हैं या जो आपकी डेड स्किन होती है हील्स के ऊपर, कोई ऐसा तरीका बता दें कि एक दफ़ा में ठीक हो जाए। यार अगर ज़्यादा डेड स्किन पड़ी हुई है तो उसको उतरने में, ठीक होने में भी ज़्यादा ही टाइम लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रोसेस को आपने जल्दी करना है तो क्या कहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो कि यूरिया बेस्ड होती हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, आप वो भी लगा लें और उसके साथ जो मैंने घर में आपको बताया हुआ तरीका जो क्या कहते हैं चैप्ड हील्स को सही करने के लिए, जिसमें आपने जो है वो हफ्ते में दो दफ़ा ये वाला प्रोसेस करना होता है कि आप जो गर्म पानी है वो ले लेते हैं, उसके अंदर कोई बहुत अच्छा सा जो है वो शैम्पू और बहुत अच्छा सा कंडीशनर डाल देते हैं, पाँव को उसके अंदर सोक करके रखते हैं फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स और फिर पाँव को बाहर निकाल के और उसके बाद प्यूमस स्टोन से जो डेड स्किन होती है उसको एक्सफोलिएट करते हैं स्क्रब की तरह, और उसके बाद जो है वो आपने अच्छी तरह से इसको मॉइस्चराइज कर लेना होता है तो उससे आपकी रिकवरी स्पीडी हो जाएगी, ठीक है? मून स्काई कह रहे हैं डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई क्रीम या टिप बता दें। डार्क सर्कल्स के लिए कॉफ़ी बहुत अच्छी रहती है, पीनी नहीं है
आपने क्या करना है कि आपने जो है सिंपल कॉफ़ी का जो पाउडर होता है उसके अंदर जो है वो पानी डाल के और उसका आपके पास जो है वो लिक्विड तैयार हो जाएगा, उसको जो है वो आपने लगाना होता है जस्ट लाइक अ सीरम जो है वो आप इसको आइस के अराउंड लगा दें, उसको 15-20 मिनट्स लगा रहने दें और उसके बाद आप उसको उतार दें। और वाइटामिन सी के सीरम्स मैंने बहुत सारे दिखाए हैं, ये देखें ये वाइटामिन सी का सीरम है, ये वाइटामिन सी का सीरम है, उसके बाद ये वाइटामिन सी का सीरम है, ये सारे के सारे वाइटामिन सी के सीरम्स जो हैं ये डार्क सर्कल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आलिया कमल कह रही है मैम आई रिड्यूस्ड वेट फ्रॉम 80 to 60 के जी एंड फीलिंग सम सैगिंग स्किन अंडर चिन, कैन आई गो फॉर हाइफू, हाउ लॉन्ग इट लास्ट एंड टू व्हाट पर्सन गिव रिजल्ट्स। अच्छा देखें हाइफू बहुत अच्छा रहता है लेकिन मैंने देखा नहीं तो मैं ये नहीं बता सकती कि आपके लिए सिर्फ खाली हाइफू ही करना चाहिए या हाइफू के साथ जो है वो थ्रेड्स यूज़ कर लेने चाहिए या फिर RF टाइटनिंग करनी चाहिए और या फिर जो है वो टाइटनिंग वाली मीजो करनी चाहिए, दो चीज़ों को मिला के करना चाहिए या सिंपल कोई एक मोडालिटी चूज़ करनी चाहिए, ये देखे बगैर तो मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन कोई नुकसान नहीं है हाइफू कराने में, वो हेल्प ही करेगा आपकी स्किन को टाइटन अप करने में। ठीक है, जो रिजल्ट होता है, अब देखिए आप पूछ रहे हैं कितने परसेंट रिजल्ट मिलेगा, मैंने देखा ही नहीं हुआ आपकी चिन को तो मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आपको एक सेशन में कितना रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हफ्सा उबैद के लिए 2 or 3 पाउडर सनब्लॉक के नाम बता दें, ऑयली स्किन के लिए वॉश ऑफ मास्क का नाम भी बता दें प्लीज़, क्या मास्क अप्लाई करना ज़रूरी है? पाउडर्ड सनब्लॉक्स तो बहुत कम हैं पाकिस्तान में, जो अवेलेबल हैं वो तो बहुत ही कम हैं, और डर्मिस्टर का जो है वो विटामिन सी वाला पाउडर्ड सनब्लॉक आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं उसके और उसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, उसकी री एप्लीकेशन बहुत आसान है, आपने जो कुछ फेस के ऊपर लगाया हुआ है, मेकअप है, कुछ भी है, आप उसी के ऊपर उसको डैप डैप कर देते हैं। पाउडर्ड सनब्लॉक्स बहुत कम अवेलेबल हैं, एक आध से ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, उसकी आपको डिटेल्स चाहिए पाउडर्ड सनब्लॉक की तो वो आप जो क्लिनिक के नंबर्स हैं उन पर कॉल करके ले सकते हैं। उसके बाद आपने पूछा है ऑयली स्किन के लिए मास्क, ऑयली स्किन के लिए जो है वो मैटिफाइंग एंड क्लेरिफाइंग मास्क जो हैं वो क्लिनिक पे अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को मैटिफाइंग और क्लेरिफाइंग, ठीक है, या फिर डीप क्लिनजिंग मास्क की जो है वो ज़रूरत होती है। मास्क को लगाना चाहिए एक्चुअली बिकॉज अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी स्किन वेल मेंटेन रहे तो मास्क जो है वो चलें 10 days में एक दफ़ा यूज़ कर लें, लेकिन यूज़ करना तो चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है स्किन के लिए, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी रह सकती है, वेल मेंटेन रहेगी। आलिया कमल कह रही है आई नो यू हैवंट सीन माई सैगिंग स्किन बट गिव मी सम जनरल व्यूज ओवर हाइफू, कुड इट बी बेनिफिशियल इन माई केस? जी मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ और मैंने आपको 3-4 डिफरेंट चीज़ें, जैसे हाइफू है, उसके बाद टाइटनिंग की मीज़ो है, उसके अलावा जो है वो RF टाइटनिंग है, इसके अलावा थ्रेड्स हैं, तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं एंड हाइफू इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, हफ्सा उबैद कह रही है फार्मा सीरीज की आई क्रीम डार्क सर्कल्स के लिए कैसी है, क्या रेज़र से डेड स्किन उतार सकते हैं पाँव की? नहीं जी, आपने कोई रेज़र यूज़ नहीं करना डेड स्किन को उतारने के लिए, प्लीज़ ये गलती नहीं करनी है, उससे जो है वो बेसिकली आपकी स्किन जो है उसके अंदर पोर्टल ऑफ एंट्रीज बन जाएंगी और उसके बाद आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, डोंट डू दिस, ये गलती आपने नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल मत करें। ठीक है, जो तरीका अभी मैंने आपको बताया है डेड स्किन को हटाने का वो सबसे अच्छा तरीका है, आप उसी पर रहें। और आपने क्या कहा फार्मा सीरीज की आई क्रीम डार्क सर्कल्स के लिए, फार्मा सीरीज की सारी चीज़ें अच्छी हैं, डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम्स भी देते हैं, सीरम्स भी देते हैं, डिफरेंट तरह की फॉर्मुलेशंस देते हैं और समटाइम्स 2 फॉर्मुलेशंस इकट्ठी भी देते हैं, आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से आपको प्रिस्क्राइब किया जाए। आलिया कमल कह रही हैं कोई अच्छा सा अफोर्डेबल हाइलुरोनिक एसिड सीरम बता दें जो आइज़ और फेस दोनों पर लगाया जा सके। यार मैंने आपको बहुत सारे दिखाए हैं, ये देखें ये बहुत अच्छा हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है, उसके बाद मैंने आपको ये हाइलुरोनिक एसिड का सीरम दिखाया है और फिर मैंने आपको जो है वो ये हाइलुरोनिक एसिड का सीरम दिखाया है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, जो सीरम्स होते हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव ही होंगे, कोई दुनिया में सीरम सस्ता नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर एक्टिव इन्ग्रीडियंट होता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव इन्ग्रीडियंट होती है,
इसलिए ये आप अपने जहन से निकाल दें कि कोई 250 रुपये वाला, 350 रुपये वाला, 650 रुपये वाला आपको सीरम जो मिल रहा है, अगर आपको मिल भी रहा है तो वो वाकई एक सीरम है या उसके अंदर वाकई एक्टिव इन्ग्रीडियंट है, ऐसा नहीं होता। यूजुअली इनके अंदर इल्यूमिनेशन के लिए इल्यूमिनेटर्स जो होते हैं या इल्यूमिनेटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ताकि जब आप इस तरह के सीरम्स को लगाएं तो आपको एकदम से ग्लो मिले और आप समझेंगे पता नहीं योर सीरम इज़ वर्किंग ऑन योर स्किन, जबकि उसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो जो सीरम्स होते हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं, अमाउंट बहुत कम यूज़ होती है, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। आप एक दफ़ा अच्छा सीरम लेंगे, आप देखेंगे 3-3 महीने आपका सीरम जो है, अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी लगा रहे होंगे तो वो चल जाएगा आपका, तो वो एक्सपेंसिव नहीं पड़ते। बट आप ये ज़रूर देखें कि जो चीज़ आप लगा रहे हैं वो वर्थ इट है, उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसी तो होनी चाहिए ना कि आपको रिजल्ट दे। सीरम्स कभी भी सस्ते नहीं होते। आलिया कमल कह रही है, मैम आइसोट्रेटिनोइन के अलावा भी कोई ऐसी मेडिसिन है जो एक्नी को ख़त्म कर सकती है? इफ़ यस तो वो कौन सी टाइप की एक्नी को ट्रीट करती है? एक्नी के लिए डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं, लेकिन याद रखें कोई भी मेडिसिन जो होती है वो आपकी स्किन टाइप को नहीं चेंज कर सकती। अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ऐसी है जिसमें ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ आइसोट्रेटिनोइन। ठीक है, इससे घबराने की क्या ज़रूरत है? इसको तो आप लाइफ में 2-3 सेशंस भी इसके ले सकते हैं, 2-3 सेट्स या 2-3 दफ़ा भी इसको ले सकते हैं, इससे ना घबराएं। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपको फॉर द टाइम बीइंग जो इन्फेक्टिव एक्नी है वो ठीक करते हैं, लेकिन आपकी स्किन टाइप नहीं। आपकी स्किन टाइप को बेहतर करने के लिए ये आइसोट्रेटिनोइन ही ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, हफ्सा उबैद कह रही हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच हफ्सा, सो स्वीट ऑफ यू। क्या आप बता सकती हैं कि आप अपनी स्किन केयर में पे मंथली कितना इन्वेस्ट करती हैं और हमें कितना करना चाहिए? देखिए, ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि मुझे मेकअप पे नहीं, मुझे स्किन पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा, अगर आप मुझे ऑप्शन देंगे या चॉइस देंगे तो मैं कहूँगी नहीं मुझे ज्वेलरी पे नहीं, मुझे अपनी स्किन केयर पे लगाना है। अगर आप मुझे चॉइस दे रहे हैं तो मैं कहूँगी नहीं मुझे कपड़ों पे नहीं, मुझे स्किन केयर पे लगाना है। और अगर आप मुझे फिर से चॉइस दे रहे हैं कि आप जो हैं वो स्किन केयर के ऊपर लगाएंगी या अपना कोई प्रोसीजर कराएंगी या फिर आप ज्वेलरी खरीद लेंगी या कपड़े खरीद लेंगी या फिर मेकअप खरीद लेंगी, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि मैं अपनी स्किन प्रोसीजर या अपनी स्किन रूटीन के ऊपर लगाना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि स्किन जो है वो आपके पास एक ही दफ़ा और एक ही होती है, उसकी लुक आफ्टर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं डे में भी सीरम और क्रीम्स और सनब्लॉक्स लगाती हूं और रात को सोने से पहले भी मैं अपनी पूरी की पूरी फुल रूटीन जो है वो करके ही सोती हूं, ना सिर्फ फेस, नेक और आईज़ के अराउंड बल्कि हैंड्स पे भी और फीट पे भी। ठीक है, और उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती है। तो इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट तो है मेरी, और मैं टाइम भी इन्वेस्ट करती हूं और पैसे भी इन्वेस्ट करती हूं, बट बिलीव मी इट्स वर्थ इट। आपको, आप अगर, वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपका एक क्या कहते हैं, आपका एक एप्टीट्यूड होता है, आपकी एक लाइक होती है और आपकी एक विल होती है और आप समझते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है तो मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ, तो डेफिनेटली मैं भी यही समझती हूँ कि स्किन के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँगी, बाकी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने की बजाय मेरी प्रायोरिटी जो है वो स्किन के ऊपर होगी। ठीक है, और स्किन पेज बैक, मज़े की बात ये है कि ये लिविंग है और ये जो है एक पेज बैक, इसका मतलब ये है कि आपने फिर कोई भी कलर पहना हो, आपने कोई भी कपड़े पहने हो, आपने कोई भी ज्वेलरी पहनी हो, तो आपको हमेशा ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा, बिकॉज़ आपको पता होगा कि आपकी स्किन जो है वो अच्छी है और आप अपनी स्किन को इन्जॉय कर रहे हैं और स्किन आपका एक एसेट है। ठीक है, तो लेकिन ये ज़रूर है कि जो मेरी, मैं जितनी भी चीज़ें अपनी स्किन पर यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ या जो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, वो उन्हीं में से है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं अपने लिए ओवर द काउंटर या बाहर से वो चीज़ें ले लेती हूँ और आपको कोई और बता रही होती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो कि मैं आपको बता रही होती हूँ। जैसे इस वक्त मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने पहले ये विटामिन सी का सीरम जो है वो लगाया है, उसके ऊपर मैंने ये जो न्यूट्रिएंट्स वाला सीरम है वो लगाया है। पहले वो मैंने इसलिए लगाया है कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो वाटर बेस्ड है,
फिर मैंने ये लगाया है, ये जो है ये थोड़ा सा थिक है इससे, फिर मैंने इसको लगाया है, इसको लगाने के बाद जो है वो मैंने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो लगाई है, और उसके बाद मैंने अपनी स्किन को जो सारी प्रेपरेशन कर ली थी, अपनी स्किन मैंने प्रिपेयर कर ली थी, उसके बाद मैंने अपनी स्किन के ऊपर जो है वो फाउंडेशन, तो मैं बहुत लाइट ही लगाती हूँ, अभी मैंने बहुत लाइट फाउंडेशन लगाई हुई है, लेकिन फिर मैंने उसके बाद फाउंडेशन लगानी शुरू की, ठीक है। और इसी तरह से होता है, आप अगर अपनी स्किन को प्रेप अच्छा करेंगे और आपकी स्किन अच्छी होगी तो उसके ऊपर आपका मेकअप भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आई गो टू इन्वेस्ट ऑन माय स्किन, आई गो फॉर माय स्किन, ठीक है। आपने ये पूछा कि कितना खर्चा करना चाहिए, तो इट डिपेंड्स। देखें, अगर आपकी स्किन यंग है और आपकी, मतलब मैं ही आपको इतना बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने 20 प्रोडक्ट्स लगाने हैं, आप सूटेबल 3 या 4 प्रोडक्ट्स लगा रही होंगी और आपकी स्किन बहुत अच्छी रह रही होगी। तो ये वाइजली करना पड़ता है और समझ के करना पड़ता है कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त या इस एज में, और उसके हिसाब से जो है वो फिर आप चूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप गलत या जो अनसूटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो 20 भी लगा लेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आलिया कमल पूछ रही है, मैम लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एक्सपर्ट सीरम यूज़ कर सकते हैं, उसमें 1.5% HA है आईज़ की फाइन लाइन्स और नेजल लेवल फोल्स को कम करने के लिए। अच्छा देखिए, जो ओवर द काउंटर आपको सीरम्स मिलते हैं उनके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है क्योंकि वो मासेस के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अच्छा है, आप उसे यूज़ तो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जो क्लिनिकल यूज़ के लिए या जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, वो टेलर मेड होता है आपकी स्किन को चेक करके और आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और जो आप ओवर द काउंटर ख़रीदते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो तो मासेस के लिए होता है और वो बस आपको, आपने कहा कि जी मैं कोई ये चीज़ लेना चाहती हूँ वो चीज़ लेना चाहती हूँ, जो वहाँ पर खड़ा होता है जो उसने आपको देनी होती है वो आपको दे देता है, ठीक है। तो वो टेलर मेड नहीं होती है, ये इसमें डिफरेंस होता है, लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट हमेशा ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू दी ओवर द काउंटर खरीदने वाला OTC प्रोडक्ट जो होता है, उससे हमेशा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का, ठीक है। आयशा खान कह रही है, सलाम मैम कैसी हैं आप, मैम पूछना था फेस के अलावा बॉडी के बाल IPL से रिमूव कर सकते हैं और इससे सख्त बाल रिमूव हो जाते हैं। यार जो जो होम यूज़ IPL सिस्टम्स होते हैं वो जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब आप लेज़र सेशंस ले चुके हुए होते हैं उसके बाद आप उसको मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते लेज़र हेयर रिमूवल से जो कि क्लिनिक में किए जाते हैं, ठीक है। आप उसको मिक्स ना करें, ये बस मैंने हाथ लगा लिया और ये यहाँ पर जो है ना वो डिज़ाइन बन चुका है रेड कलर का। अलीज़े खान कह रही हैं, मैम अगर अल्फा एरबिटिन 2% सीरम लगा रहे हैं उसके बाद ड्यू टू क्रीम तो क्या ऐसे भी ड्यू टू इतना ही वर्क करेगा जितना अकेली ड्यू टू क्रीम लगाने से होगा? नहीं यार, अगर आप दो चीज़ें लगा रही हैं तो दोनों चीज़ों का रिजल्ट आएगा, पहले आपने सीरम लगाया तो सीरम का रिजल्ट भी ऐड हो जाएगा ना, उसके ऊपर आप क्रीम लगा रही हैं ड्यू टू तो फिर उसका रिजल्ट भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ों का रिजल्ट आएगा तो आपकी स्किन जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा कम्पेयर्ड एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई एक चीज़ लगा रही होंगी तो। हफ्सा उबैद के नहीं, क्या लोकल शैम्पूज हेयर को डैमेज करते हैं लाइक डॉफ सनसिल्क एक्सेट्रा ऑलिव ऑयल हेयर के लिए अच्छा होता है क्या, कौन सा हेयर ऑयल बेस्ट है? कोई भी हेयर ऑयल बेस्ट नहीं होता, हेयर ऑयल का आपने क्या करना है वो मेरी समझ से बाहर है। हेयर ऑयल लगाने के बाद आप अपने बालों को 3-3 दफ़ा शैम्पू करके उसको उतारते हैं और ऑयल जो है वो इतना डेंस होता है, इतना थिक होता है, मुझे ये बताएं वो आपके बालों के अंदर कैसे पहुँचता है? कोई नहीं पहुंचता आपके बालों के अंदर। अगर आपने कोई सा भी ऑयल यूज़ करना है तो उसको एज ए मीडियम फॉर मसाज यूज़ करेंगे आप, ठीक है। सिर्फ आपने अपने टिप्स के ऊपर लिया और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे करके मसाज करना है, ये भर भर के और बहुत सारा तेल लगाना और फिर उसको 3-3 दफ़ा शैम्पू करके उतारना, इट्स ऑफ नो यूज़, बिल्कुल भी ऐसा मत करें। तेल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके बालों के अंदर जा सकती है, वो पहुँच ही नहीं सकती, वो इतना डेंस होता है, तो क्या आपने उसका करना है, आप उसे क्यों लगा रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करने वाली। शैम्पू जो होता है, देखिए शैम्पू गंदा तो कोई भी नहीं होता, आपके लिए कौन सा शैम्पू सूटेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंदा शैम्पू तो कोई भी नहीं होता कि ये शैम्पू गंदा है और वो अच्छा है, ठीक है। हाँ,
अब ये भी है कि क्वालिटी ऐसी ना हो कि हमारे बाल ही ख़राब हो रहे हो. अब शैम्पू तो करना है, लेकिन शैम्पू की क्वालिटी ऐसी है कि जी आप यूज़ कर रहे हैं और बाल ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो ये तो ज़रूर माइंड में रखना चाहिए. उसके बाद आलिया कमल कह रही हैं, मैम जेन फार्म का स्पेक्ट्रा मैट सीबम कंट्रोल SPF 40 सनब्लॉक ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जेन फार्म में होता है. अलीजे खान कह रही हैं, मैम अगर अल्फ़ा आर्बिट्रीन 2% सीरम लगा रहे हैं उसके बाद यूट्यूब क्रीम, तो ये मैंने आपको बता दिया. हाँ ये मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर हो गया है अलीजे. आलिया कमल कह रही है, कॉम्पैक्ट पाउडर मैटिफाइंग पाउडर एंड लूज पाउडर में क्या डिफरेंस है और ये तीनों किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? अच्छा, जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसमें कलर होता है, जैसे फाउंडेशन में कलर होता है ना, उस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर में कलर होता है, बट वो पाउडर की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो आप उसको अपने फाउंडेशन की जगह पाउडर फॉर्म में फाउंडेशन समझ लें. ठीक है, जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, क्रीम फाउंडेशन होते हैं, उसकी जगह आप इसको पाउडर फाउंडेशन समझ लें. ठीक है, फिर आ जाते हैं लूज पाउडर पे. जो लूज पाउडर होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, लूज पाउडर में कोई कलर नहीं होता. ठीक है, वो सेटिंग पाउडर होता है, सेट करने के लिए, जो भी आपने मेकअप लगाया हुआ था, जो कलर, जो भी चीज़ें आपने लगाई हुई थी उसको सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर जो है वो लूज पाउडर होता है. ठीक है, और फिर आपने पूछा है मैटिफाइंग पाउडर क्या होता है. मैटिफाइंग पाउडर वो होता है जिसमें कलर नहीं होता, यूजुअली उसमें कलर नहीं होता, या अगर उसके अंदर फाउंडेशन की तरह कलर हो भी तो वो एक्स्ट्रा ऑयल को, एक्स्ट्रा स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, वो मैट फिनिश और मैट करने के लिए होता है स्किन को. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. तीनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है. जो आपका कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर, उसको आप समझें कि वो फाउंडेशन ही होता है पाउडर की फॉर्म में. जो लूज पाउडर होता है वो सेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मेकअप को सेट करने के लिए, और यूजुअली वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता. और जो आप पूछ रही हैं मैटिफाइंग पाउडर, वो जो है वो स्किन को मैटिफाई करने के लिए होता है, एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक्स्ट्रा जितना भी स्वेट होता है, जो आपको अगर स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उसको भी किसी हद तक कंट्रोल कर लेता है, बट बेसिकली वो ऑयली स्किन के लिए होता है. उसमें कलर हो भी सकता है और कलर के बगैर भी हो सकता है, मैटिफाइंग पाउडर जो. ठीक है, ठीक है जी, ये हो गए आपके क्वेश्चंस आज के लिए, और आई होप सो कि आपको सीरम्स के बारे में जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के सेशन से, और आपको अपने लिए सीरम चूज़ करने में भी आसानी होगी, और आपको थोड़ी गाइडलाइन ज़रूर मिल गई होगी कि आपको सीरम को कैसे चूज़ करना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, और आप उसको लगाने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं. ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते. अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़.